एक साथ परिणय सूत्र में बंधे 11 जोड़े। धूमधाम से हुई सामूहिक शादी। निशुल्क सामूहिक विवाह बनी मिसाल। एक साथ एक मंडप में 11 जोड़े शादी के बंधन में हमेशा हमेशा के लिए बंध गए। औरंगाबाद शहर के राजेश्वरी विद्या मंदिर में समाजसेवी संस्था आस्था सेवा समिति ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया था। संस्था की तरफ से ये दूसरी बार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें धूमधाम से 11 जोड़े शादी के बंधन में बंधे और एक दूसरे का जीवन भर साथ निभाने की कसमें खाई। इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम का उद्घाटन समाजसेवी डॉक्टर प्रकाश चंद्रा, नगर परिषद के उप चेयरमैन प्रतिनिधि सह रेड क्रॉस अध्यक्ष सतीश कुमार सिंह, आस्था सेवा समिति के संरक्षक डॉक्टर चंद्रशेखर प्रसाद और समाजसेवी महावीर प्रसाद ने किया। लॉकडाउन में भी शादी करवाई गई थी आस्था सेवा समिति के बैनर के तले, और ये दूसरा शादी आस्था सेवा समिति के तरफ से 11 जोड़ी का सामूहिक विवाह करवाया गया। और ये आस्था सेवा समिति के लगभग 2 से 2.5 महीना से कथक प्रयास की वजह से आज ये देखने को मिल रहा है। 3 राज्यों से आकर यहाँ सामूहिक विवाह में शरीक हुए हैं और शामिल हुए हैं। वर वधु कन्या को उपहार में भी 33 सम्मान दिया गया है। सामूहिक शादी के दौरान अलग अलग जिलों से पहुंचे वर वधु पक्ष के लोगों और बारातियों का संस्था की तरफ से स्वागत किया गया। साथ ही शादी का पूरा कार्यक्रम हिंदू रीति रिवाज के साथ हुआ। आस्था परिवार के द्वारा जो एक प्रारंभ किया गया, उसका बहुत ही प्रशंसनीय और लुभावना दृश्य है। आज के दिन जो है भगवान भास्कर के सानिध्य में 11 वर वधुओं का सब विधि रीति रिवाज के अनुसार कार्यक्रम को आस्था परिवार के माध्यम से संपन्न हुआ। ये बहुत ही लुभावना और बहुत ही सराहनीय कार्यक्रम। संस्था की तरफ से वर पक्ष को उपहार भी मिले, जिसमें पेट, जेवर, कपड़ा, बर्तन जैसी उपयोगी चीजें शामिल थी। इस शादी के जरिए समाज को एक नई दिशा देने की कोशिश की गई, जिससे निर्धन और गरीब परिवारों को शादी के लिए सोचना ना पड़े और सामाजिक सहयोग से दहेज प्रथा जैसी कुरीति पर लगाम लग सके। मंटू कुमार, औरंगाबाद।